फ्रेंड्स राइटिंग फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी क्या है और आप कब रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो देखिए मेरे पास दो वोटर आईडी कार्ड है और एक देख सकते हो पहले जो मैंने मतलब मेरा फर्स्ट वोटर आईडी कार्ड जब इसमें बहुत सारा मिस्टेक था, फिर मैंने मिस्टेक को करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद ये वाला वोटर आईडी कार्ड मेरा रिप्लेसमेंट हो गया है। तो अगर आपका भी वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी मतलब मिस्टेक्स है, मिस्टेक करेक्शन करने के बाद फिर अगर आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड चाहिए तो उस टाइम आपको रिप्लेसमेंट करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हो और जो रिप्लेसमेंट करने के लिए जो एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होता है वो आप कैसे सही तरीके से कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप फास्ट टू लास्ट देखते रहिए। और इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरा फेसबुक में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या आप मेरे ईमेल पे मैसेज करके मेरे से कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का जो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए आपको जाना होगा किसी भी एक ब्राउजर पर। तो देखिए मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में जाकर आपको टाइप करना होगा nbsp.in। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो इसमें आने के बाद आप देख सकते हो एक न्यू पोर्टल अपडेट हुआ है, वोटर्स पोर्टल बीटा। तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आपने साइन अप ऑलरेडी कर लिया तो इसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड देके आप लॉगिन हो सकते हो। और अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया तो आप नीचे देख सकते हो साइन इन विथ जीमेल। तो इस ऑप्शन में क्लिक करके आप आसानी से साइन अप कर सकते हो और आप लॉगिन हो सकते हो। तो मैं आपको जो साइन इन विथ जीमेल इस ऑप्शन से कैसे साइन इन किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप नीचे आइए, नीचे आके इसमें क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका जो भी ईमेल है आपका डिवाइस में सब कुछ शो हो जाएगा। तो जिस ईमेल से आप लॉगिन करना चाहते हो तो उस ईमेल को आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो इसमें आपको टिक करना, टिक करके वेलकम में क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें आपका डिटेल्स पुट करना होगा, जैसे कि आपका नेम, आपका स्टेट और आपका जेंडर इधर से पुट करना होगा। तो सब कुछ पुट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा और आपको इस टाइप से बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, तो इसी में ही आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से फिर से एक इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें आपको हेलो बोला जाएगा और नीचे लिखा रहेगा लेट स्टार्ट। तो इसमें जाके आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से आएगा डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर। तो अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो मेरे पास ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो मैं यस करने वाला हूं, तो यस में आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है इसमें पुट करना होगा। तो फटाफट से पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आप फेंस डिटेल्स में क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका जो भी डिटेल्स है वो वेरीफाई करेगा, मतलब मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए मैच हो गया, इसमें लिखा आ रहा है कि मैच हो गया। फिर आपको प्रोसीड में क्लिक करना होगा। तो देखिए मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो होगा और उसमें सब कुछ डिटेल्स आपका शो होगा, जैसे कि आपका नेम हो, फादर नेम हो, आपका जेंडर हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो। फिर आपको क्या करना है, इसमें नीचे आपको लिखेगा देखिए कंटिन्यू फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको देखिए नीचे कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इस टाइप से एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर पुट करना होगा। तो देखिए आ गया, यू नीड टू अपडेट योर मोबाइल नंबर। तो इसमें आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इधर आप पुट कर लीजिए। पुट करके आपको वेरीफाई करना होगा। तो देखिए मेरा मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है और मैं पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद आपको वेरीफाई में क्लिक करना है। तो वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। देख सकते हो रीजंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, किस रीजन के वजह से आप वोटर आईडी को रिप्लेस करना चाहते हो।
तो इसमें आपको लिखना है कि मैंने वोटर आईडी कार्ड को करेक्शन किया, पहले कुछ मिस्टेक्स था लेकिन अभी मैंने करेक्शन कर दिया, तो करेक्शन करने के बाद मेरे को न्यू वोटर आईडी कार्ड चाहिए, या आपका दूसरा भी रीजन हो सकता है, तो उस हिसाब से आप लिख दीजिए। तो रीजंस लिखने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, फिर आपको इधर बोला जा रहा है देखिए, चूज ऑप्शंस टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड, मतलब आपको किस जरिए आपको वोटर आईडी कार्ड आप चाहते हो। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है, आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम बीआरसी और सीएससी, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है, आई विश टू रिसीव माय वोटर आईडी बाय पोस्ट, तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन, मतलब आपको पोस्ट से मतलब आपको वोटर आईडी कार्ड मिल जाएंगे। फिर जो थर्ड ऑप्शन है, आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम बीएलओ, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पोस्ट का ऑप्शन है ये सही रहेगा, तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए। और इसमें क्लिक करने के बाद बोला जा रहा है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड सेंड किया जाएगा, सेंड करने के वजह से आपको 30 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जो पोस्टल पेमेंट, यानी जब आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे आएगा तब आपको एक पेमेंट करना होगा 30 रुपीज़ का। ये हो गया आपका 30 रुपीज़ का पेमेंट, तो इसमें आपको क्या करना है, तो हो गया है, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो डिटेल्स आप समझ लीजिए, आपको 30 रुपीज़ का पेमेंट करना है जब आपका वोटर आईडी कार्ड घर आएगा, तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो कंटिन्यू करने के बाद फिर आप देखिए सेलेक्ट पेमेंट मोड, तो इसमें एक ही मोड दिया हुआ है यानी ऑफलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड का अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है लेकिन फ्यूचर में जाके होगा। ऑफलाइन मोड में देखिए आपको जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि आपको 25 रुपीज़ का एप्लीकेशन का चार्ज लगेंगे, और जो 30 रुपीज पहले बोला वो एक्स्ट्रा है जो पोस्टल चार्ज है, और यह एप्लीकेशन चार्ज जो 25 रुपीज का। और इसको किधर पेमेंट करना होगा, आपको बीआरईसी सेंटर में जाके आपको पेमेंट करना होगा। इधर क्लियरली लिखा हुआ है, यू नीड टू पे 25 रुपीज इन कैश एट योर वोटर्स रजिस्ट्रेशन एंड एपिक सेंटर, यानी बीआरईसी सेंटर में जाके आपको पेमेंट करना होगा। तो बीआरईसी सेंटर किधर है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू देखते रहिए। और देखिए जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे बीआरईसी सेंटर में, तब आपके साथ एक चीज़ लेके जाना होगा, वो है प्रिंट आउट, जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो इस एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट आपके साथ ले जाना है। तो उसको कैसे प्रिंट आउट करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जाके, तो इसको आप पढ़ सकते हो डिटेल्स क्या बोला गया है। तो जो मैं बोल दिया कि आपको पेमेंट करना है 25 रुपीज़ का, और आपका जो प्रिंट आउट है वो आपके साथ ले जाना है जब बीआरईसी सेंटर आप जाएंगे, तो ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको कंटिन्यू करना है। देखिए मैंने इधर क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद आपको फिर इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपको फॉर्म है एनेक्जर वन, इसमें सब कुछ आपको आपका जो डिटेल्स आपने पुट किया है इधर शो हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें एक बार चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, आपका एड्रेस वगैरह, आपका जेंडर, आप डेट ऑफ बर्थ, तो सब कुछ डिटेल्स इधर शो हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से चेक करना है, अगर कुछ भी मिस्टेक्स रहता है तो पहले आपको करेक्शन करना होगा, फिर जाके आपको वोटर रिप्लेसमेंट करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, देखिए इस जो पेज है, मतलब इस पेज को आपको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के लिए आप राइट क्लिक करके आप प्रिंट आउट कर सकते हो, और इसी पेज को आपको जो बीआरईसी का ऑफिस में ले जाना है जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे। तो ये सब करने के बाद आपको देखिए जो सबमिट का बटन है, सबमिट का बटन में क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। तो देखिए मैं सबमिट करके आपको दिखा रहा हूं, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और इस टाइप से आपको इंटरफेस होगा, जिसमें आपको बोला जाएगा कांग्रेचुलेशन, फिर यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, और आपको एक रेफरेंस आईडी इधर दिया जाएगा, और आपका मोबाइल नंबर पे भी रेफरेंस आईडी का जो मैसेज है वो चला जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, तो सबमिट होने के बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको जो एड्रेस है यानी बीआरसी का ऑफिस किधर है उसको ढूंढने के लिए आपको जाना होगा होम पर। होम पर जाने के बाद व्यू माय प्रोफाइल इस ऑप्शन में आपको जाना होगा। जाने के बाद इधर देखिए इंटर वोटर आईडी नंबर टू व्यू अदर डिटेल्स, तो इसमें जाके आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर पुट कर देना है, फिर आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आपका सब कुछ डिटेल्स इधर शो हो जाएगा, जैसे कि आपका नेम, आपका एपिक नंबर, फिर आपका डिटेल्स वगैरह शो हो जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे देख सकते हो कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ इलेक्शन ऑफिसर। तो इसमें देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक ऑफिसर रहेगा, फिर आपका सर्कल लेवल का एक ऑफिसर रहेगा, जो सेकंड नंबर है वो सर्कल लेवल का ऑफिसर है, और जो थर्ड नंबर है वो आपका बीएलओ है। तो जो सेकंड नंबर का जो भी ऑफिसर रहेगा उनके पास आपको जाना होगा, तो उनका देखिए फ़ोन नंबर भी दिया हुआ रहेगा, तो आप फ़ोन करके भी जा सकते हो, या डायरेक्ट आपका जो सर्कल ऑफिस रहता है उस सर्कल ऑफिस में जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो उसी में ही जो
आपका इलेक्ट्रोल रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो रहता है उसी सर्कल ऑफिस में ही बैठते हैं, तो उसमें जाके आपको आपका जो पेमेंट है पेमेंट करवा के आना होगा। 25 रुपीज़ का पेमेंट होगा और पेमेंट करते वक्त आपके साथ जो प्रिंट आउट है प्रिंट आउट कॉपी साथ में ले जाना होगा और आपका डॉक्यूमेंट्स फाइल भी साथ लेके जाइए, देख भी सकता है। तो इस हिसाब से आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट का जो पार्ट है ये मेन पार्ट है, तो आप ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, आप पेमेंट करने के बाद ही आपका जो वोटर आईडी कार्ड वो मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, मैं कॉमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू।